एबीपी गंगा प्रयागराज। सरकारी व्यवस्था निजी खुन्नस में कभी कटघरे में नहीं खड़ी होती, बल्कि अपने काम करने के तरीके की वजह से ही खड़ी होती है। अब बलरामपुर का हाल ले लीजिए। वहां बिना नोटिस के दलितों के घर गिराने के आरोप में पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के जेई समेत 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि विभाग ने जबरन घरों को उस वक्त ढहा दिया जब घर पर केवल महिलाएं थीं और कर्मचारियों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। 3-4 लोग आए थे पीडब्ल्यूडी के और हमारा घर गिरा दिए हैं। बलरामपुर में बिना नोटिस दिए दलितों का घर गिराए जाने के आरोप में पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है तुलसीपुर थाना क्षेत्र में जिन दलितों का मकान गिराया गया है वो सभी आदि शक्ति माँ देवी पाटन शक्ति पीठ मंदिर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है और 27 अगस्त को मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर साफ सफाई में उनकी ड्यूटी लगी थी और उस वक्त उनके घरों में सिर्फ महिलाएं थी। आरोप है कि बिना किसी सूचना के लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता बेचन राम, जेई डीएन श्रीवास्तव, अनुपम कुमार, मेघ प्रकाश, अनुचर प्रमोद और स्थानीय निवासी राकेश तिवारी उनके घर पर पहुंचे और महिलाओं के विरोध करने के बाद भी जबरन उनका घर ढहा दिया। यही नहीं, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने महिलाओं से अभद्रता करते हुए उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी। यहाँ पर 3-4 लोग आए थे पीडब्ल्यूडी के और हमारा घर गिरा दिए हैं और हम 4-5 लोग भी खड़े थे। हमारे मम्मी पापा तो नहीं थे पर मम्मी हम लोग थे और गिराने की जब उन लोग आवश्यकता की पूछने चले कि क्यों गिरा रहे हैं तो उन्होंने कहा ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, हम गिराना चाहते हैं और उन्होंने हम लोग को धमकाया पट्टाया। उसके बाद बोला कि जिसको बुलाना आप बुला लीजिए। हम सब मंदिर सफाई कर्मचारी हैं, इसी में 1:05 पर ये सब लोग आके जीसीबी से पीडब्ल्यूडी के सब लोग आके अपना ये गिरा दिए। हमको सूचना बाद में मिली, हमारे बच्चे लोग वहाँ पर थे, उन लोगों को गाली गलौज करके उनको सब धक्का मुक्की करके हटा दिया गया। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों का ये कहना था कि उन लोगों को नोटिस वगैरह पहले से दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग स्थान खाली नहीं कर रहे थे और उन्होंने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इस संबंध में एक पूरा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और इस प्रकरण में एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ है SC ST का। तो पुलिस दोनों ही पक्षों पर इसमें छानबीन करके तहकीकात करके निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि देवी पाटन शक्ति पीठ मंदिर में तैनात जिन सफाई कर्मचारियों का घर लोक निर्माण विभाग ने गिराया है उस मंदिर के संरक्षक खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। एबीपी गंगा के लिए बलरामपुर से सुशील मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस हो